मेरा ख्याल था इतने सालों बाद आई हूँ, आपसे माफ़ी मांगूंगी, आप थोड़ा सा डांट लेंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट आई गेस आई वॉज रॉन्ग। कुछ गलतियों की शायद कभी माफ़ी नहीं मिलती। ये बताओ वो सिरा की सास का क्या सीन है? अभी तो आपने साइमा चौधरी का ट्रेलर देखा है, अभी पूरी फिल्म जो है ना 3D में आपको नजर आएगी, पांडा 3। जो साइमा चौधरी पहले फैशन शोज में नजर आती थी, अब अगले साल वो किसी करप्शन चार्जेस के अंदर जेल में पड़ी होगी। तेरे ख्याल में मैं करप्शन के लिए सियासत कर रहा हूँ? तो और सियासतदान क्या करते हैं? वो तुम चुप कर जाओ वरना क्या हाथ लगा कर तो देखो, तुम्हारी सिंगल पसली को ना मल्टीपल पीसेस में करके फेंक दूंगी मैं। और तुम धमकियां किसे दे रही हो? मुश्ताक छोड़ ना यार, लेने तुम इसे लेके जाओ। अरे कहीं नहीं जा रही मैं, आज मैं देखती हूँ ये करता क्या है। और तुम मुझे अभी जानती कहाँ हो, चाली चाल मोटी। एनी प्लीज तुम आके तो देखो, तुम्हें बहुत मजा आएगा, पाकिस्तान में सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है, मुझे बता देना जब फ्लाइट कंफर्म हो तो। ये आपके लिए है। आप ये अंदर रख लेना। वैसे आपको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप इन सबकी नानी हैं। लेकिन ये हैं, इसलिए कि ये हैं। खालिद भांजी नानों से शादी कैसे कर सकता है? अरे आहिस्ता बोलो, मैंने तुम्हें अपनी मदद के लिए बुलाया, घर से निकलने के लिए नहीं। इसका मतलब यह है कि हमें एनी के लिए अब्दुल्ला तलाश करना है। माय गॉड प्लीज किसी के सामने जिक्र ना करना, शी हेट्स दिस टॉपिक। अगर उसे पता चला ना वो पाकिस्तान ही नहीं आएगी। डोंट वरी। मुझे ये बताओ कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा? यही कहा कि खालिद भांजी को शर्म आनी चाहिए। मैं तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, मैं जहां भी हूँ खुश हूँ। ऑल्दो मैंने कन्विंस करने की बहुत कोशिश की लेकिन उन्होंने मेरी एक बात भी नहीं मानी। तुमने जो करना है तुम करो, क्योंकि मैं डांस करूंगी। और देखो यार वो बहुत बुरा मना जाएंगे। मुश्ताक अगर तुम्हें ताए की खुशी का इतना ख्याल है ना, तो फिर तुम उन्हीं से शादी कर लो। अच्छा अच्छा ठीक है ओके सी यू। एनी आ रही है रात की फ्लाइट से। आज रात? देखिए रीमा से तकल्लुफ वाली बात नहीं है, घर वाली बात है, जब चाहेंगे उसको इनवाइट कर लेंगे। अच्छा तो जब आपने मुझे रीमा से मिलवाना तो जरा मेरा अच्छा सा बिल्डअप करना, उसको ये लगे कि शायद उसकी जिंदगी में सैमा चौधरी ही वाहिद कमी रह गई थी। जानू जरा मुझे मिस कॉल मारियो। जी हाय हैविंग फन। आ गई तुम? हाँ। एनी का है? वो नहीं। जनाब आपने कुछ खाया ही नहीं है? कुछ समोसा समोसा ले आए, कोई पैटी शैटी? नहीं चौधरी साहब, थैंक यू सो मच। कमाल के साफी हैं जी आप, पहले साफी देखे मैंने जो खाने पीने की चीज़ों में मना कर रहे हैं। चौधरी साहब आप अभी से सियासत आने वाली बातें करना शुरू हो गए हैं जी। ओ कमाल है जी, अब सियासत में कदम रखा है तो ये बातें तो सीखनी पड़ती है ना जी। वैसे चौधरी साहब आपने पक्का प्लान कर लिया है सियासत में आने का जी? हाँ जी बिल्कुल पक्का। ओके जी, लेकिन आपको सियासत में आने का ख्याल आया कैसे? जी मैंने सोचा जी इससे पहले कि मेरी बीवी मेरी सारी दौलत खर्च कर दे मैं भी कुछ उड़ा लूं। हैं जी? और जी ये लिख लुख ना देना, मजाक कर रहा हूँ, आपका कोई भरोसा नहीं है। नहीं जी। हाँ याद आया चौधरी साहब, आपकी बेगम साइमा चौधरी की लोन की आज ओपनिंग नहीं है? हाँ जी उधर ही गई हुई है। अच्छा। हाँ उधर ही गई हुई है, खवातीन के पर्स खाली कराने। आ गई आपकी बहन साइमा चौधरी की लोन। साइमा दे लिशकारे जगमग कपड़े सारे, तक किसे को लोना डरो, साइमा चौधरी ने लोन और लोन होई है, थानो थान होई पई है। देखे बटवे में से निकाले प्लीज, इस तरह नहीं करना होता। हाँ उधर काउंटर पे पैसे दे। हाँ है क्या हो गया, लड़े तेरे ना आपस में, फट जाता होता है लोन का सूट। पोले पोले हाथ लगाने, पोले पोले। हाँ बाजी जी लड़ना नहीं ना, नहीं उधर वाल छाड़ देनी, हद हो गई आपके वाली। एक मिनट ठहरे ना, सूट फिकर ना करो, आपकी बहन सैमा चौधरी ने थानो थान कर दिया पूरा माहौल।
उफ काला, वैसे इस शादी में बहुत मजा आया। अभी तो तुम गांव नहीं गई पंजाब के, वहां चली जाती कल्चरल शॉक से बेहोश हो जाती। ओहो नानी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। एनीवन फॉर केक? तुम तो ये कहोगी बेटा क्योंकि तुम्हारा ससुराल है। यू नो आई एम नॉट लाइक दैट। तो भाई एनी कहाँ है, उसको भी तो उठाओ, कब तक सोती रहेगी, नाश्ता भी नहीं किया उसने। वो सो रही है अभी तक खाला, उसका तो जेट लैग ही नहीं खत्म हो रहा अभी तक। इट्स ओके आरफा खाला, वैसे भी कनाडा के टाइम में और यहाँ के टाइम में कितना फर्क है, थोड़ा सा एडजस्ट होने में टाइम तो लगेगा ना। ठीक है, मगर अब जेट लैग खत्म हो जाना चाहिए। नहीं बिल्कुल। वैसे सिला बेटा, तुम उसे कुछ ये शलवार कमीज तो खरीद के दे दो, ताकि ये जीन्स और टी शर्ट से तो पीछा छूटे। श्योर खाला, और वैसे भी आई एम वेटिंग टू बॉन्ड विद हर, आखिर पहली दफा कोई कजिन मिली है। अच्छा ये बताओ वलीमे की क्या खबर है? ऑल वेंट वेल, अभी वो ताके के गांव से फैसलाबाद वापस आ गए हैं। ओह गॉड, साइमा के पास? हाँ जी, सारी तरक्कियां कर ली हैं, दूसरी शादी भी कर ली, तो अब सियासत ही रह गई थी ना। हाँ हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत। नहीं नहीं, आप जरूर आना जब आपका दिल करे, आपका अपना घर है। ओके जी, सलाम अलैकुम। किदा फोन सी? आपकी वड्डी फुफो के छोटी दामाद का था, मुबारक दे रहे थे सियासत में आने पे। अच्छा गल सुन, वो अपना इकबाल साहब के पिंड से लोग आए हुए हैं, तो जरा उनको चाय शाय तो पिजवा दे। चाय साहब एक बात बताऊं आपको, वो जो आपके खानदान वाले पति के हरियाले खेत लहलहाते हुए छोड़ गए थे ना, वो कह गए ने सड़ के स्वाह हो गए ने हुन। हां जी हां भाई, जिन्हों देखो मुंह चुके मुबारक देन टुरे है, मैंने चाय का खोखा लगाया है। भाई लोग मुबारकबादें देने आ रहे हैं, हैं इस तरह तो होता ही है ना। किस बात की मुबारक लोग दे रहे हैं, आपके घर का काका है, आपने नर्सरी में फर्स्ट पोजीशन लिया है, हद ही हो गई ताड़े वाली, मैं तो तंग आ गई हूं। ओए पार्टी का टिकट मिलना इतना आसान काम नहीं होता। हाय 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 हाय, जब मांगे सिर्फ एक आदमी ने हो तो क्यों नहीं मिलता। वैसे एक बात आप लिख ले कहीं पे, आपको सिर्फ दो ही वोट पड़ने हैं, एक आपका और एक मेरा। वैसे मेरा भी जरा डाउटफुली समझना। ओए तो तू जरा इलेक्शन आ जाने दे, उसके बाद पता लगेगा। अच्छा तू चाह तो भिजवा। बात सुने, उनको ठंडा पानी पिलाए तो कह खुदा हाफिज, चाय खत्म हो गई है। क्या फमीदा, चाहते पिया? हाँ चाय पीनी है तूने? ले अभी बनवाती हूँ मैं। पीनो, बिस्कुट भी रखे हुए मैंने तेरे लिए। पीनो नहीं, पीनो नहीं, डोरी पीनो, अन्नी तो है सी डोरी में चाय रख। तुझे मालूम था ना कि बिस्कुट के बगैर मैं चाय नहीं पीती होती। हाँ पता है मुझे सारा। अपने टब्बर वालों के लिए चाय मौजूद है, हैं? ला दियो नजरा, ला दियो नजरा, चोई साहब मेरी भैन दे चाय दे कोक नु ही नजर ला दियो। अच्छा मैं बाहर से मंगवा लेता हूँ। अशफीक और चाय का बंदोबस्त कराओ बाहर से। मिता पाजी नु की हो गया? ओ छड़ ना, सियासत में जा रहे हैं तो चिड़चिड़ नहीं सीखेंगे तो इनकी बात कौन सुनेगा, जोर जोर से बोलने की तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। चल छोड़। अच्छा ये बता कि वो रिश्तेदारों के फोन आ रहे हैं, सुबह से 6 फोन आ चुके हैं वो दूल्हा दुल्हन की दावतों के लिए, तो क्या करना है फिर? भी उनको कह के अभी जरा होल्ड करें। क्यों? हमारे घर में तो दूल्हा दुल्हन के अपने मसाइल चल रहे हैं। हे मोटी खराब निकल आई है। ओहो देखो मेरी बात सुनो, मैं अपनी बीवी और बच्चा छोड़ के तुम लोगों का वलीमा अटेंड करने आया था, ये किस मसले में डाल दी तुम लोगों ने मुझे? नहीं आजा, तुम फैसला किए बगैर यहाँ से नहीं जा रहे। और इसमें फैसला कराने वाली कौन सी बात है? मतलब कि तुम इम्तिहान में बैठ रहे हो फिर? हाँ देखो बेबी, बेबी आजर, सॉरी बेबी, बेबी इज फाइन। देखो बेबी अब हमारी शादी हो चुकी है, तुम ये बीए की जिद को जाने दो। मगर मुश्ताक तुमने मुझसे वादा किया था। हाँ लेकिन तुम इम्तिहान में बैठ रहे हो या नहीं? अच्छा अच्छा बैठ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये बड़ी ज्यादती है। मैं दुनिया का पहला इंसान हूंगा जो अपने वलीमे के तीसरे दिन इम्तिहानी मरकज में बैठा होगा। और एक और बात सुन लो मेरी, अगर मैं फेल हो गया तो फिर मुझे ना कहना। तो क्यों फेल होगा यार, तूने तैयारी की तो है। और यार अब ऐसी भी कोई खास तैयारी नहीं है। तो कर लो ना तैयारी फिर। और मेरी शादी हुई है एक हफ्ता पहले, मैं सारा रौनक मेला छोड़ के मुताले पाकिस्तान की किताब में घुस जाऊं। मुश्ताक रौनक मेला तो सारी जिंदगी चलता रहेगा, इम्तिहान तो सारी जिंदगी नहीं चलेगा ना। इम्तिहान तो बस कुछ दिनों की बात है। वैसे हाँ मुश्ताक, she has a point. केड़ा पॉइंट? ठीक है अगर यू है ना तो फिर यू ही सही। लड्डू 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 आनी,
सिला, हे व्हाट्स अप? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तो तुम्हारे लिए कमरे में ब्रेकफास्ट लाने वाली थी। नहीं नहीं यार, इट्स ऑल गुड, आई एम अप, आई एम अप। अच्छा, खाला ने बताया था कि तुम उठते ही कॉफी पीते हो, इसलिए मैं सोचा तुम्हारे लिए कॉफी बना लूं। लेकिन इतनी सुबह वैसे अभी नहीं है। आई नो, आई एम हेटिंग दिस वर्क लाइक, आई कैन इमेजिन। यार मुझे इतना बुरा लग रहा है, जब से वापस आई हूँ किसी के साथ सही से बैठकर बात भी नहीं कर पाई हूँ मैं। तो इट्स ओके, कौन सा हम लोग कहीं जा रहे हैं। और वैसे यू हैव नो आइडिया कि तुमसे मिलने के लिए मैं कितना एक्साइटेड थी। आई गेस पहले कभी कोई फर्स्ट कजन मिली नहीं, इसलिए। आई नो, टोटली सेम हियर। आई मीन डैड के साइड के नेफ्यू और नीसेस हैं, लेकिन डैड से ही कभी कभार बात होती है, तो उनसे कहाँ मुलाकात होगी। ओह, आई अंडरस्टैंड। वैसे पूरी जिंदगी कनाडा रहने वाली के लिए तुम्हारी उर्दू काफी अच्छी है। हाँ, क्रेडिट टू मामा। घर में एक रूल बनाया उन्होंने, रोज 2 से 3 घंटे उर्दू बोलना मस्ट है। और वैसे भी जब मामा को डांटना होता है ना, तो सीधा इंग्लिश से उर्दू पर शिफ्ट मारती है। लगता है काफी डांट पिटी है तुम्हें। No idea, don't ask. Hey, क्या हाल है? जो इंसान इतनी गर्मी में बाहर खड़ा होकर देगे बनवा रहा हो, उसका क्या हाल होगा? Wow. मतलब तुमने अपनी बिजनेस की डिग्री ना बिल्कुल बेस्ट तरीके से यूटिलाइज की है। वेरी फनी यार, वो अब्बा जी के नए पॉलिटिकल ऑफिस में खाना है, तो उसके लिए देगों को लुक आफ्टर कर रहा हूँ। देखिए, यू नो व्हाट, तुम्हारे अब्बा जी जो है ना, इलेक्शन में एमपीए बने ना बने, तुम बावर्ची जरूर बनोगे। या, मुझे भी यही लगता है। खैर तुम बताओ, व्हाट्स अप? वो एक्चुअली मुझे तुमसे एक एडवाइस लेनी थी। कितने लोगों का खाना है? क्या भाई, आजकल तो मैं इस किस्म की एडवाइस दे सकता हूँ कि 100 लोगों के लिए कितना खाना होना चाहिए और 50 बंदों की चाय के लिए कितने समोसे और पैटीज होना चाहिए। वो एक्चुअली मुझे तुमसे अदील के बारे में कुछ बात करनी थी। वो तो मैं लव गुरु भी हूँ। विक्की, सॉरी सॉरी, व्हाट इज इट? वो मसला ये कि अदील मुझे काफी दिनों से कह रहा है कि अपने फ्रेंड से मिलाओ, अपने फ्रेंड से मिलाओ, और मैं उसकी बात टाले जा रही थी। फिर सुकी की शादी में भी उसे इनवाइट नहीं किया, तो उसे बहुत माइंड कर लिया ये बात। Well, he has a point. हाँ, लेकिन I was not sure, you know. मैं किस तरह तुम लोगों से मिलवा सकती थी जब मैं खुद श्योर नहीं थी? और अब तुम श्योर हो इस बारे में? I don't know. I guess. बस तो ठीक है ना, पहले फाइनल कर लो और फिर जब कोई फैसला हो जाए तो फिर उसको मिला भी देना। मसला क्या है? विकी, प्रॉब्लम ये है कि अदील 4-5 दिन के लिए इस्लामाबाद जा रहा है और उसने जिद लगा रखी है कि उसको किसी भी मेरे एक फ्रेंड से मिलना है। उसके अंदर एक्चुअली फीलिंग आ गई है कि मे बी आई एम अशेम्ड ऑफ टेलिंग माय फ्रेंड्स अबाउट हिम। क्या करूं मैं? अरे उसे कैसे पता चला ये? क्या मतलब? आई एम जस्ट किडिंग यार। वैसे सीरियसली, तुम उसको सिला से मिला दो, शी विल अंडरस्टैंड, और मिस्टर अदील के दिमाग से क्वेश्चन मार्क भी खत्म हो जाएगा। कैसा? गुड आइडिया, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो लेट मी कॉल सिला, ओके? बाय, टेक केयर, थैंक्स। चलो ओके, बाय। जब तक फराज अंकल की पिक्चर्स मैंने आपके घर में नहीं देखी थी ना, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो वाकई आपके हस्बैंड हैं। रियली? और क्या, उनकी जो शाहरुख वाली फिल्म है ना, मैंने कोई 15 times देखी होगी। एक बात बताएं, शाहरुख असल में कैसा है? अब वो आ जाएंगे कल दुबई से, तो उन्हीं से पूछ लेना। यार वैसे आई कैन गारंटी यू कि बाबा की कंपनी तुम बहुत एंजॉय करोगी। आई एम श्योर, काफी कूल और चिल आउट किस्म के आदमी लगते हैं। ये बातें तुम उनके सामने कर देना, उनकी फेवरेट हो जाओगी। इसकी बातों में ना आना, ये बड़ी स्मूथ ऑपरेटर है। बहुत स्वीट है, तुम यू ही ना कहो। थैंक यू। तुम्हारी डिग्री का क्या हुआ? बस खाला, फाइनल सबमिशन रह गया थीसिस का। टॉपिक क्या है? सर मैं सोच रही थी कि मैं डॉक्यूमेंट्री बनाऊं पाकिस्तानी वेडिंग्स पे। रियली? तो तुम्हें पहले आना चाहिए था, सुकी की शादी पे तुम सब कवर कर लेती थी। आई नो, थोड़ी सी लेट हो गई। वैसे दूसरों की शादी की डॉक्यूमेंट्रीज बनाना छोड़ो और अपनी शादी के बारे में सोचो। मामा मैंने कहा था ना, प्लीज इस बारे में बहस नहीं करेंगे। भाई क्यों नहीं करेंगे, अब सिला की भी तो शादी हो चुकी है। सिला की शादी का मेरी शादी से क्या ताल्लुक है? प्लीज एनी, पहले ही 4 साल की डिग्री में तुमने 6 साल लगा दिए हैं, बस अब मैं और कुछ नहीं सुनूंगी। देखा, मैं इसलिए आपके सामने नहीं आ रही थी, तो मेरी शक्ल देखते ही आपको मुझ में एक दुल्हन नजर आनी शुरू हो जाती है। सच्चा तो मेरा जेट लैग था यार। हाय, जा कर रही हो? एनी सुनो, व्हाटएवर। एनी क्या करती हो तुम, हद कर देती हो वैसे आरफा। देखा तुमने, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। उसे सांस तो ले लेने दो, अभी तो उसका जेट लैग भी पूरा नहीं हुआ। वैसे खाला, मेरी शादी तो इसलिए जल्दी हो गई थी क्योंकि मुझे आजर मिल गया,
उसको भी अगर कोई मिल जाएगा तो वो कर लेगी शादी, जल्दी क्या है। बेटा यही तो मैं नहीं चाहती कि उसको कोई ऐरा गैरा मिल जाए और वो शादी कर ले। वैसे सिला तुम क्यों नहीं देखती उसके लिए कोई लड़का? अच्छा बस जस्ट काम डाउन नाउ, अगर तुमने एनी को और प्रेशराइज किया तो मैं अम्मी को बता दूंगी। वैसे नानी है कहाँ? जो मैंने लिस्ट दी है ना वो सारी शॉपिंग कर लेना और फिर यहाँ आ जाना मेरा इंतजार करना। आप मेरा मतलब है कि तुम? अगर गलती से मुंह से आप निकल गया था तो कुछ देर तो उस पे कायम रहती। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? वही जो आप करने आई हैं। मैं तो मैनिक्योर करवाने आई हूँ। वेल गो के ये हरकत तो जनाना है लेकिन इश्क की राह में ये एडवेंचर ही सही। What? आप यहाँ पहुँचे कैसे? आपका पीछा करते हुए। माफ कीजिएगा, इस उम्र में ऐसी हरकतें करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि इस उम्र में मुझसे ये हरकतें करवा रही हैं आप। मैं क्या मतलब? मुझे आपके सिर्फ 5 मिनट चाहिए, इंतहाई मुख्तसर और संजीदा गुफ्तगू करनी है। इधर उधर न देखें, ड्राइवर जा चुका है, वापस आ भी सकता है। राइट। ओ, फोन क्यों बंद आ रहा है इसका? ये भी कुदरत का इशारा समझे। हाउ चीप। हाँ जी, मैं कहाँ बैठूं? जी सर यहाँ। यहाँ? ओके, थैंक यू। आदाब। आप क्या कर रहे हैं यहाँ? क्यों, मैनिक्योर करवाने का हक सिर्फ खवातीन का है? आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, सदियों से। कोई सदियां वदियां नहीं है, चुपचाप अपना काम करो। जी भाई, जो ट्रीटमेंट मैडम करवा रही है मैं भी वही करवाऊंगा। ध्यान से, नाखून ही ना उतर जाए। देखा इनको कितना ख्याल है मेरा। कोई ख्याल व्याल नहीं है, इस उम्र में उतर सकता है। अगर आपका नहीं उतरा तो ये रिस्क मैं भी ले सकता हूँ। वैसे एक मिनट रुकिए बीबी, मुझे आपसे कुछ कहना है। और मैंने कुछ नहीं सुनना। जी जी सर, क्या करवाएंगे आप? मैडम क्या करवा रही हैं? मैडम का तो डाई होने लगा है। ठीक है, फिर हमारा भी डाई कीजिए, डार्क ब्राउन। पूरा सर सफेद करवा लें, शायद आपको एहसास हो। सोच लीजिए, फिर उसके बाद मैं मूछों वाली मरीना खान नजर आने लगा, आप ही को शिकायत होगी। व्हाट इज योर प्रॉब्लम? जस्ट नीड 5 मिनट्स टू टॉक टू यू। ऐसी क्या बात करनी है आपने? बीबी आप जरा जाइए यहाँ से। कहीं नहीं जाना आपने। इनका जाना हमारे लिए बेहतर है। मेरा और आपका हमारे वाला कोई नाता नहीं है। रुकिए, काम करें अपना। जाइए। रुकिए। जाइए। रुकिए। रुकिए। जाइए। देखा क्या कहा मैडम ने, जाइए। जी आप बताइए, क्या बहुत जरूरी बात करनी है आपने? मेरी बीवी को फौत हुए एक अरसा गुजर चुका है। आई डोंट ब्लेम हर। मेरे 3 बेटे हैं, बाहर सेटल्ड हैं अपनी फैमिलीज के साथ। अच्छा, तो मैं क्या करूं? दैट्स द पॉइंट। गुजारिश है कि मैं खालिद भांजी व दाऊद भांजी बाय एवज हक महर 25 करोड़ रुपए सिक्का राइजुल वक्त आप यानी मुसम्मात मेहर निसा के साथ अक्दे सानी का मुतमनी हूं। क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? क्या आपकी खामोशी को हां समझूं? हद हो गई है, या आप इस भोंडे तरीके से प्रपोज कर रहे हैं या निकाह पढ़ा रहे हैं, और आपको कोई और जगह नहीं मिली थी? Thank you.
खाला, मामा हमेशा मेरे साथ यही करती है। उनको पता है एक बात पे इरिटेट होती हूँ, फिर भी मैं भी उसे यही कह रही थी। आई मीन मुझे यहाँ आए हुए कितना वक्त हुआ है, मेरी शादी के पीछे पड़ गई है। समझाया मैंने उसे, ये सब कुछ बताया, लेकिन अच्छा चलो खैर छोड़ो छोड़ो, इतना नहीं इस बात को नर्व्स पे सवार करते, माएं ऐसी बातें करती हैं। आई डोंट यू गो सी कराची सिला, इसे लेकर जाओ ना बाहर, कोई कपड़े वगैरह दिलवाओ, शॉपिंग करवाओ। श्योर चले? हाँ हाँ गो हैव रिटेल थेरेपी। ओके चलो लेट्स गो। क्या जी आंटी, मैंने फैसला कर लिया कि मैं आज़र के साथ वापस कराची जा रही हूँ, और मैं तब तक नहीं आऊंगी जब तक वो अपने एग्जाम्स कंप्लीट ना कर ले। लेकिन बेटे, नुची खाला ठीक ही तो कह रही है, उसके बाद में लॉजिक तो है, यहाँ पर रहेगी तो सब रिश्तेदार लोग दावत करते हैं, फिर वहाँ जाना पड़ेगा, ऐसे में ताका कैसे फोकस कर पाएगा अपनी पढ़ाई को। लेकिन रिश्तेदार क्या कहेंगे? ले रिश्तेदारों ने क्या कहना, कह के तो दिखाएं जरा मुझे। हाय हाय, घर से दुल्हन वापस चली जाएगी तो कितना बुरा लगेगा। कह देंगे ना कि मुकलावा लेके गई है, तो दूल्हा इतने ही छड़ गई है, तो दूल्हे ने पहले पढ़ा लेना सी ना वहां से पत्तो। हाय उन्हें दावता दाते खाने तक ही बनेगा, मैं की करा। रहन दे, तेरे रिश्तेदारों की दावते भी अच्छी तरह देखी हुई है, पुलाव ते कोरमा खुआ खुआ के उन्होंने मेरा कस्ट्रोल ही बता देना। और वैसे भी जब जाओ ना तो खीरा तो टमाटर तो गोभी बंद काट के ना, तो कहते हैं ये तो रशियन सैलेड है। अरे कौन सा रशियन, इनको सलाद सिखा के गया था। अच्छा बस ठीक है ना, मैं फिर सुखी मेरे साथ वापस जा रही, कंफर्म है, मैं इसकी टिकट भी करवा देता हूँ, बल्कि अभी फोन करता हूँ मैं। चलो फिर ठीक है, फिर उनकी करिए। थैंक यू आंटी। आदर हाय प्यारी है, वैसे है कोलो मोलो जी रेती जाती है। उम्मीदा वैसे तू होश करया कर, नहीं नहीं मेरी दुल्हन के सामने तू मेरे रिश्तेदारों की बुराइयां कर रही है। हाय हाय तेरे रिश्तेदारों की तू बड़ी तरीके से करती है, गॉसिप कर करके तेरा मुंह सूख जाता है, रहने दिया कर। अच्छा तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें लंबी कमीजों के साथ पैंट्स चाहिए या तंग पजामे? यार वो भी ले लेंगे। क्या मतलब? एक्सक्यूज मी भाई साहब, जरा आगे गाड़ी रोकिएगा। जी बाजी। क्यों क्या हुआ? रुकने तो दो गाड़ी। हाँ इधर। आप ऐसे करें, आप ये पैसे लें और जाके खाना खा लें, और फिर जो है ना आप ठीक 5 बजे हमें मिल लीजिएगा। मैडम वो आनी रिलैक्स करें, मेरे पास इंटरनेशनल लाइसेंस है, कोई मसला नहीं होगा। दे 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 खुदा हाफिज़। व्हाट आर यू डूइंग? फिर यार इट्स अनदर थिंग कि मैं इंटरनेशनल लाइसेंस कनाडा भूल आई हूं। व्हाट व्हाट आनी आराम से, मेरा एक बच्चा भी है। रिलैक्स, अभी तो नहीं है ना गाड़ी में। हाँ लेकिन कसम से बहुत छोटा है अभी। हेलो कहाँ हो तुम? मौत के मुंह में। क्या? अच्छा बस छोड़, तुम बताओ तुम कहाँ? अच्छा लिसन, वो तुम अभी आ सकती हो? एक्चुअली आई वांटेड टू मीट अदील। इस वक्त वो एक्चुअली अदील जो है ना शाम की फ्लाइट से इस्लामाबाद जा रहा है, तो मैं चाह रही थी कि तुम उससे मिल लो। आनी थोड़ा आराम से यार। अच्छा इस वक्त तो मैं आनी को लेके निकली हुई हूँ। क्या हुआ? नथिंग, योर फ्रेंड वांट्स टू मीट अ, तो मिल लेते हैं। लेकिन वो कपड़े मिलेंगे यार बाद में। आई ऑल्सो वांट टू मीट पीपल। ओके लैला फिर हम आ रहे हैं। हम? क्या मतलब है, तुम किसके साथ हो? अब वो आनी भी है ना साथ में, वो हम शॉपिंग करने निकले थे। यार तुम अकेली नहीं आ सकती? डोंट वरी कूल आनी, स्लो डाउन, स्टॉप, रिलैक्स लैला, टेक अ चिल पिल, इट्स ऑल गुड, नहीं मारूंगी तुम्हें। अच्छा चलो ठीक है, बट उसको सारा कुछ बताने की जरूरत नहीं है, जो सेलर के अधीन मेरा फ्रेंड है। I'll try. Okay, see ya. Okay, see you. अगर जिंदगी रही तो मिल लेंगे। Okay, bye. You're funny. Slow down. तो मुझे ये बताओ कि तुम वहां से गए क्यों? जी आपने खुद ही तो भेजा था। और तुम्हारा फोन क्यों बंद था? मैडम बैटरी खत्म हो गई थी। बैटरी खत्म हो गई थी? काम के वक्त में फोन की बैटरी खत्म हो जाती, जो सारी सारी रात तुम लोग फोन के ऊपर बातें करते हो तब बैटरी खत्म नहीं होती। सॉरी जी। सॉरी सॉरी से काम नहीं चलेगा, आज अपना हिसाब करो और जाओ यहां से, जब नौकरी नहीं होगी तो बैटरी भी खत्म नहीं होगी। आप बाहर बैठे, मैं बात करती हूँ आपसे। एक मौका दे मैडम। मैंने कहा ना आज अपना हिसाब करो और जाओ। मैं कह रही हूँ आप बैठिए, मैं आपसे करती हूँ बात, जाएं बाहर जाते हैं। सॉरी बाजी। नहीं कोई बात नहीं, मैंने आपसे कहा ना आप बाहर बैठिए, मैं आती हूँ। क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है? गलती उसकी है और पूछ मुझसे रही हूँ।
क्या गलती है उसकी? उसकी बैटरी डेड हो गई थी, पुराना सा मोबाइल है बेचारे के पास। तो क्या मैं उसे आईफोन लेकर दे दूं? नहीं, मैं ये नहीं कह रही। हुआ क्या है? रिलैक्स करें। क्या डाई नहीं ठीक हुआ? डाई तो आपने कराया ही नहीं। भाड़ में गए डाई, कहाँ करवाया मैंने? तो दो घंटे सैलून पे वैसे ही बैठी रही। पार्लर में बैठी क्या रही? वहां तो वो क्या, वहां तो वो कुछ नहीं। आखिर हुआ क्या है? इतना गुस्सा किस बात का है? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। फराज खान दुबई गया है फिल्म करने, आपको पता है? माय फुट दुबई गया है फिल्म के लिए। मुझे मालूम है कि वो वहां किसने क्यों गया है। अम्मी फिल्म करने के लिए गया है, खालिद भांजी ने उसे पकड़ा। खबरदार जो उसका नाम लिया तुमने मेरे सामने। क्या प्रॉब्लम है? आखिर आपको वो बुरा क्यों लगता है? क्यूट सा तो है, गोलमटोल सा। तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना, तो तुम उसको अपनी माँ बना लो। माँ तो नहीं बना सकती, खैर बाप बना सकती हूँ। क्या रबिया, क्या हो गया तुम्हें? सोचने से पहले बोल तो लिया करो। सोचने से पहले बोलना जरा मुश्किल होगा। ओ क्या है, आपको इतना गुस्सा क्यों चढ़ रहा है? ऐसे लगता है जैसे खालिद भांजी ने आपको प्रपोज ही कर दिया। हाय। हाय अदील, दैट्स सिला, और ये है सिला की कजन। हाय आई एम एनी, नाइस टू मीट यू। शुक्र है तुम लोग पहुंच गए, थैंक्स टू हर ड्राइविंग। कम ऑन यार, अब इतनी भी तेज गाड़ी नहीं चलाई थी मैंने। शी ट्राइंग टू से कि ये तुम्हें यहां ड्राइव कर खुद लेके आई है। जी, और मैडम ने ड्राइवर को भी उतार दिया था, बिकॉज़ ड्राइवर के साथ मजा नहीं आता। शुक्र है तुम लोग यहाँ पहुंच गए, तुम लोग का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। कराची में ड्राइविंग बहुत रिस्की है। कम ऑन लैला, इतना फॉर्मूला वन देखने का कोई तो फायदा होना चाहिए। आप फॉर्मूला वन देखती हैं? ऑफ कोर्स, आई एम अ ह्यूज फैन। मी टू। कूल। वो सिला, सिला का बेबी मैंने बताया था ना, नायर, मैंने तुम्हें पिक्चर्स भी दिखाई थी। हाँ, सो क्यूट, माशाल्लाह। थैंक यू। आप बैंकर हैं ना? जी जी। सो हाउज वर्क? ठीक है, हम लोगों की तो वही सेम रूटीन सेटअप। दैट इज सो बोरिंग। जी सही तो कह रही है, इट कैन बी बोरिंग 9 to 5। हाँ, आई मीन कहाँ रेसिंग और कहाँ बैंकिंग। क्या कनेक्शन बनाया आपने, लेकिन फायदे भी बहुत हैं। हाँ, आई सपोज सो। महीने की पहली तारीख को तनख्वाह मिलना, लॉट्स ऑफ फ्री एयर कंडीशनिंग, नो लोड शेडिंग, एंड ऑफ कोर्स रोज रोज नए लोगों से मिलना, स्पेशली लड़कियों से। या इन फैक्ट हम लोग भी वहीं मिले थे। मुझे आपके बैंक का चक्कर लगाना ही पड़ेगा। जी आई एम जस्ट किडिंग। किसी को कॉफी चाहिए? कैपुचिनो प्लीज। मैं नहीं, भी लेना। तुम्हारी कॉफी वहाँ रखी हुई है। ਕੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰੰਗ ਜਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਪਕੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਥਾ, ਆਧਾ ਰੰਗ ਆਪਨੇ ਜਲਾ ਦਿਆ ਥਾ, ਤਾਂ ਆਧਾ ਆਪ ਇਸਕੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੇਂ ਭਗਾ ਭਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੰਗ ਸਾੜ ਦਿਆ। ਲੂਸਿਆ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਅਬ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਮੇਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪੇ ਪਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ, ਇਤਨੀ ਜਵਾਨ ਜਹਾਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕਾ ਯੇ ਕਾਮ ਹੈ ਕਿ ਲੋਗੋ ਕੋ ਚਾਹੇ ਔਰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਤਾ ਫਿਰੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਕੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਕੀ ਤੋ ਨਹੀਂ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਛੋੜੇ ਨਾ। ਚਲ ਦਫਾ ਹੋ। ਅਰੇ ਮੇਰਾ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਯੇ ਬਾਤ ਛੋੜੇ। अच्छा खैर, ये बताएं वो ये अल्लाह हमारे इलेक्शन होने कब है वैसे? इस सीट पे दो बारी बाय इलेक्शन कैंसिल हुए हैं। अब देखो इलेक्शन कमीशन कौन सी डेट देता है। इसका मतलब है हमें भी बेइज्जती कराने के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अब बंदे का मुंह अच्छा ना हो ना, तो कम से कम बात अच्छी जरूर करनी चाहिए। चल सब, अल्लाह के फजल से मेरा मुंह बड़ा ही अच्छा है, और बात भी मैं सच्ची कर रही हूँ। मैं तो सोच रही हूँ इलेक्शन कमिश्नर को डायरेक्ट फोन ही कर दूं कि प्लीज हमारी शेम शेम होने से बचा ली। मम्मी जी आप भी ना। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। आवे पुत्र आदर, क्या हाल है तेरा? ठीक हूं दादा जी। वे आ तनु तेल ला गया, रुकिया। नहीं नहीं, तेल लगावे। हेयर स्टाइल खराब हो रहा है मेरा, क्या हो गया आपको? और क्या बना तेरी टिकटों का? हो गई दादा जी, कल की। अच्छा चलो, अच्छा हो गया। अबा जी मैं भी चला जाऊं, मम्मी जी की शॉप का काम खत्म कराना है। ठहर जावे, जरा इंतजार कर ले। अभी तो कराची जाएगा तो पीछे से इलेक्शन में तेरे अब्बाई ने सारा कुछ उड़ा देना है। पहले इंतजार तो कर ले, देख तो ले होना क्या हमारे साथ। और तू फिक्र ना कर, तेरे से कुछ नहीं उड़ाऊंगा। अच्छा जी, और वो याशियां? अच्छा जी। इसे बगोल ते कुछ ना बोल। क्या कहा? कुछ नहीं, इसे बगोल ते कुछ ना बोल। अच्छा यार आदर, मैं अभी जी वो आजर सुकी की सीट्स कंफर्म हो गई? हाँ हो गई, उसकी भी कंफर्म है। स्कीना भी तुम्हारे साथ जा रही है? जी। आज मैं मर गई बेटा, तुम तो ट्रेन में चले जाना, इसलिए कि उसके पार से अगर जहाज का ही गलती से चीचावत्री लैंड हो गया तो हमारा क्या होगा? ना मेरा पुत्र वैसे खाती इतना क्यों,
ऊपर से मुश्ताक मेले की खालस खुराके उन्हें तो लग दी नहीं चिड़ी दे पोट नू बस भी करो सारी जिंदगी के लिए तो तुम नहीं जा रही ना इतने कपड़े रख लिए हाँ लेकिन ये सारे कपड़े फिर खराब हो जाएंगे ना पड़े पड़े क्यों मैंने क्या इन कपड़ों को पहन के यहाँ डांस करना है अलमारी में पड़े रहेंगे तुम नाराज क्यों हो रहे हो पता नहीं ओके लड्डू वो आई मिस यू लेकिन अभी तो मैं गई भी नहीं हूं जो हूं मैं फीलिंग पहले तो होना शुरू हो गई तो मैं की करा स्वीटी मुझे मिस करेगा स्वीटी यहाँ पर्चा करेगा तो क्या हुआ इट्स जस्ट फॉर टू वीक्स ना लड्डू बहुत ज्यादती है ये वैसे अब तुम ये भी तो सोचो ना कि आज के बाद इलेक्शन में तुम्हें कभी भी नाअहल नहीं करा दिया जाएगा और वैसे भी अब हमारी कौम को पढ़े लिखे पार्लियामेंटेरियंस की जरूरत है क्या हुआ लड्डू अभी तो तुम्हारे हाथों की ये मेहंदी भी नहीं उतरी और तुम मुझे छोड़ के जा रही हो लोगों ने तरह तरह की बातें सोचनी है कि मुश्ताक मेले की बीवी शादी के चौथे दिन ही उसे छोड़ के चली गई I'm so sorry, sweetie, मगर तुम्हारी emotional blackmailing काम नहीं आने वाली। मिट्टी पाओ फिर। ठीक है, चल अब जाओ। कहाँ? 11 बजने वाले, मुताले पाकिस्तान का पेपर कौन रिवाइज करेगा? लड्डू ना करना यार। No, चलो उठो, चलो। I miss you. चलो उठो। I love you. I know you love me. चलो, चलो। कहाँ है तुम्हारी books? मुलाकात में किसी स्ट्रेंजर के साथ बाल हिला हिला कर बात नहीं करती अरे भाई अगर उन दोनों को फॉर्मूला 1 का शौक है तो दैट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस कोइंसिडेंस कोई कोइंसिडेंस नहीं था और कौन सी लड़की है फॉर्मूला 1 की रेसिंग देखती है लड़कों से दोस्ती करने के लिए ना ये इसने नाम ये मेटल शेटल पता नहीं क्या सेबास्टियन वेटल या व्हाटएवर उसने नाम याद किए हुए थे मुझे तो लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा लैला सिला तुम अपनी कजन को कवर करने की कोशिश बिल्कुल मत करो तुम खुद भी और फील कर रही थी लैला हो सकता है कि वो नॉर्मली ऐसी बिहेव करती हो कनाडा में शायद उसका और फ्रेंडली होना तुम्हें फ्लर्टिंग लग रहा हो देखो 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 एक हफ्ते में अपनी कजन के लिए इतनी सारी जस्टिफिकेशंस तुम अपने अदील से भी जाके पूछो ना कि वो इतना एक्साइटेड क्यों हो रहा था इतनी अच्छी लड़की देख के तो कोई भी लड़का क्या क्या कहा तुमने कुछ नहीं ओ माय गॉड मेरा तुम कहीं यानी से इनसिक्योर तो नहीं फील कर रही हां इनसिक्योर होगी मेरी जूती ओ माय गॉड मैं अभी सुकी को फोन करके बताने लगी हूं पर जोर जो तुमने अपनी जुबान खो दी है ना किसी के भी सामने अच्छा बाबा नहीं बताती अच्छा मैं जा रही हूं तुम जाओ अपनी एनी के पास मैं नहीं जा रही आनी के पास मुझे भी बात करनी आज़र से स्काइप पे या व्हाटएवर तो अपने अदील से भी वैसे पूछते ना कि वो इतना खुश क्यों था उसकी तुम फिक्र ना करो उसकी खबर मैं ले लूंगी लेकिन एक बात मेरी याद रखना ये जो एनी जैसी दिखती है ना ये वैसी बिल्कुल भी नहीं है ओके बाय बाय वो देखो 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 बाबा देखो 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 पापा का बेबी मेरा शहजादा मेरी जान पड़ो तो भूल गया है वो तुम्हें मैं भी मिस कर रहा हूँ यार लेकिन कल आ रहा हूँ ना इंशाल्लाह वापस सुखी वाकई तुम्हारे साथ वापस आ रही है She has no choice वरना ताके की पेपर्स कैसे होंगे ऐसे इस किस्म का डिसीजन ना सिर्फ सुखी से एक्सपेक्ट किया जा सकता है आई नो अच्छा मैंने वो ताया जी से ना गाँव वाली जमीन बेचने की बात की थी देखो आज़र इस वक्त जमीन बेचने की कोई जरूरत नहीं है आई एम श्योर कुछ वक्त में कोई ना कोई जॉब तो मिल ही जाएगी ना अभी तो बात की है ना यार अभी बिक थोड़ी जाएगी इतनी जल्दी वैसे भी ताया जी कह रहे थे कि यहाँ पे प्रॉपर्टीज की वैल्यू काफी डाउन है उन्होंने और तो कुछ नहीं कहा कह रहे थे मुझसे पैसे ले लो
लेकिन यार बुरा लगता है, आई वॉन्ट टेक मनी फ्रॉम हिम. वो अपनी इलेक्शन कैंपेन भी चला रहे हैं, अब विकी को सेटल करने की कोशिश भी कर रहे हैं, मतलब उसका बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, फिर कराची में अपार्टमेंट भी खरीद रहे हैं, तो उनसे नहीं ले सकता ना फेवर, बुरी बात है. ए, मैं आ जाऊं? हाँ हाँ आ जाओ, आदर से ही बात कर रही थी. हाय. हे एनी, हाउ आर यू? भाई सॉरी, मुझे यहाँ फैसलाबाद आना पड़ा और हम लोग मिल नहीं सके. आई एम रियली सॉरी. नहीं नहीं, इट्स ऑल गुड, नॉट अ वरी. अच्छा तुम दोनों बात करो, मैं जरा उसका फीडर बताती हूँ, ठीक है? जी जनाब. पाकिस्तान कैसा लग रहा है भाई? इट्स नॉट बैड, लेकिन गर्मी बहुत है. घर में ही हो या कहीं घूमने फिरने भी निकली हो? एक सेकंड रुकना, फोन बज रहा है, वेट. ओके श्योर. हाय हाय, अगर तूने फिर मेरा शैम्पू खत्म कर दिया, तेरी बड़ी प्यारी आदत है मेरे बाथरूम में घुस के. मैंने नहीं किया था ऐसी कुछ. हाय, कितनी प्यारी लड़की की तस्वीर है. हाय. हाय तो बोल भी रही है. अस्सलाम वालेकुम, मैं सला की कजन हूँ, वो नाइल का पैम्पर चेंज करने गई है. अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हाल है बेटी? तो तुम मैरिड हो के अनमैरिड? नहीं. अच्छा चलो कोई बात नहीं, और रहते हैं, फेथ इन गॉड हो जाएगी शादी भी. ओके आंटी, आई हैव टू गो, बाय 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 बाय. वे विक्की, वे जल्दी ओवे, कराची जाने का टाइम आ गया वे. हलो 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 हलो, चलो चलिए कराची.